आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। ଭାରତର ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତିଲକ। जदि से कन्या अष्टभुजा दुर्गा रूप धारण कर एक तेबे तार अर्थ हेउची से प्रथम शून्यवाणी कदापि मिछ नथिला। मारिवा वाला तो आसीगलेनी निश्चित एथरे किछि गुढ रहस्य रहिछि। ये सब कंसर बुद्धि को भ्रम करबा पई करा जाइछि जौथिर कि से असुविधा रे पड़िबो आउ ताकु एक कथार खबर मिलिबनि जे ताकु मारिवा लोक कोउटी जन्म हला। भल हेछि से तो डरिबो ना। गोटाए शून्यवाणी मीच हो पारे अन्य शून्यवाणी मीच हो पारे मु स्वयं से कन्या को आकाश रे अष्टभुज रूप धारण कर देखी आते चेतावनी देला ये जी मत मार से जन्म नहीं सारी अर्थ हूँ प्रथम शून्यवाणी भी सत यार ये भी अर्थ जे निश्चिंत मु छलनार शिकार अष्टम गर्भर कन्या केमिति आसी था आओ जदि भी मु प्रतारित है थाय देबे प्रतारणा रे निश्चिंत भावे मोर कोनोसी लोकर हाथ थिबो एबे सर्वप्रथमे मु आज्ञा होउचे जे कन्या जन्मर से रात्रि रे जिए भी कारागार रे प्रहरा दउतिले से समस्त को आज ही हाथी को पाद तले सब प्रजाक सामने रे दरी दिया जाओ जो थे मोर समस्त सेवक मान
जानी बेजे जे महाराज कंस सहित विश्वासघातक करिबरे कौन फल होइताय महावीर धनुक आज्ञा महाराज ए कार्य तुमको आज ही संपन्न करिबाक हबो जथा आज्ञा महाराज जसस्वी हो सौभाग्यवती हो वसुदेव तो भली पुत्र देवकी भली पुत्र बोध पाई बहुत धन्य होगली तो सकाशे मोर गौरव बढ़ला ए घोर विपत्ति को तू जो धैर्य आ साहस सहित सम्मुखीन होचु ता प्रशंसनीय निज धर्म दृढ़ रही तो निज संतान को बलि देकी भी निज सत्य वचन जो भली पालन कलु ताकु देखि स्वर्गरे आमर पूर्वज भी गर्वरे मुंड टेकी चालुथिबे पश्च्य तु कुलर नाम उज्जवल करि निजर पितृऋण सूची देलु पुत्री देवकी जो मातार छ छटा पुओंकर हत्या ता आखि आगरे हेतिबो ता हृदय गभीर जंत्रणा मु भल रूपे अनुमान करि पाउछि तथापि तमे सबु किछि सहिकि भी जो पतिव्रतार प्रमाण देइछ सेथिपाइ तमे हम समस्तंकर बंदनीय हेगल पुत्री मु तुम पाखे पहुंची पार नी कि मो हृदय से कारागारे मु भीतर भीतर से दुख बांटुली आश्वर को यही प्रार्थना करूली जे प्रभु प्रभु ताकु ये सबकि सहवा को शक्ति दि जानी जे आप निश्चित प्रार्थना कर कारण जेते बेले मु आपन को ध्यान करथिली सेते बेले मते एमती लागुथिला जेमती मो मन को के सांत्वना देउछि सेते बेले मो धैर्य आहुरे दृढ़ीभूत होउथिला ये आपन को आशीर्वाद रही फल से अग्नि परीक्षा रु बाहरी जीवित अवस्था रे आपन को श्रीचरण रे आसी पहुँचिलु पिताश्री भगवान तो आपण को कथा शुणती कहतु कौन सी माता को से दिन देखा न पड़ू जहा मत देखा पड़ा गोटाए कथा बुझी पारे जो धारणकर्ता आसवा कथा आकाशवाणी कही आहार आगमन आशा कंसर अत्याचार सहवाक शक्ति जगाऊला से अष्टम गर्भरे कहीं आसिले महाराज ए प्रश्न भी प्रजा मन बारंबार उठू किंतु ता सहित भी से अष्टम गर्भर जन्मित से बालिकार चमत्कार कथा शुणी एमती लगुच या पचर दैवी शक्तिर कौन गुड़ योजना प्रस्तुत यार समाधान आम सांसारिक माने करिपरिबा यार रहस्य गुरुदेव महर्षि गर्ग ही कहीपारती
जमिति से मते ए रहस्य कहिथिले जे सप्तम गर्भ समय रे भाउजंकर गर्भपात काई के हि जाइतला रहस्य केमिति रहस्य कुमार वसुदेव मु कारागर रे आपन को ए सूचना देबा को चाहुतली तापर किंतु से मुहूर्त रे मते से आपन को कहबा को मना कर दीथिले किंतु काई कि से कहले जे उचित समय आसले से आपन को सब किछि कहि देबे मोर विश्वास अछि जे प्रातरे आमे ताकु दर्शन पाइ गले से आपन को सब किछि कहिबे मु त एते कि कहि परबि जे ता गर्भपात नथिला एक दैवी चमत्कार थिला अभिनंदन भाउज अभिनंदन अभिनंदन कौन पाई बहुत शुभ खबर टे आगो मिठाई खाइबा को दियो नंदराज आगो कथा कोन कुह कौन है जी की खबर आनी छ कुमार वसुदेव एवं देवकी भाउजन को कंस कारागर रु मुक्त कर दी छी सतरे हां अमर जो गोपाल माने मथुरा को खीर नै जानती से माने आज आसीवा मात्र मते खबर दै छंती से माने निज आखिरे कुमार को निज पितांक महल को जिबार देखि छंती प्रभु तते कोटि कोटि धन्यवाद कोटि कोटि धन्यवाद ए सबु देवी माता को कृपा हे देवी माता मु भी तोनारे सहे गाय दान करने को संकल्प करुची धन तो पिताश्री बंदी गृह मुक्त हो गले रे हाँ एबे तते शीघ्र तांको दर्शन मिलिबो प्रणाम कर तो पितांको एवं आज्ञा महाराज देवकी को कथर सिद्ध हो सारी जे देवता माने मते मारिबा को कौन सी योजना करी चंदी मो गुप्तचर को कहिबा कथा जे सारा नगरी रे एकथार चर्चा होची जे मते मारिबा वाला जन्म नहीं सारी मो शत्रु माने एक कथा को व्यापक करथिबे से माने भावु चंदे जे कथा रे मु भयभीत होई जिबे किंतु एक कथा जानंत रे जे संकट आसिले कंसर शक्ति द्विगुणित होई जाय ते सब देवता मो वीरत्व रे आशंकित किंतु मु से मानु को गणना रे रखिनि देवता को राजा इंद्र अल्प वीर बाकी रही गले तीन जन गोटा से तपस्वी ब्रह्मा द्वितीय टा से बनवासी शिव आउ तृतीय टा मायावी विष्णु से मानक मध्य कहार भी रणभूमि रे मो सामना को आसे मो सहित युद्ध करिवार क्षमता नाही से मानको डरिबारे मोर आदो आवश्यकता नाही तथापि भी राजनीति एक कथा कहे जे शत्रु दुर्बल भी होई थाउ ताकु उपेक्षा करिबा अनुचित ताकु मूल रूप परे फोपरी दबा उचित आपण संपूर्ण सत्य कहउछंती महाराज शत्रु रो उपेक्षा केबे भी करिबा उचित न जदी शरीर रे रोग होई गले जदी तार चिकित्सा न करा जाए सीए जमिति आस्थान जमी दिए जीता असाध्य हो जाए ठीक सेमिति शत्रु को जदी अवज्ञा कर जाए से शक्त होई उठे सेति पई हम को जाबी करबा कथा अति शीघ्र करबा को हबो अति शीघ्र करबा को हबो कितु कोन करबा को हबो मो विचार रे हम को सबटु प्रथम काम एया करबा को हबो जे बड़ बड़ नगर रे छोटो छोटो ग्राम रे चांडाळंक बस्ती रे मथुरा वासिंक महल रे से गरीब कुड़िया हो पछके चौठी चौठी भी गला दस दिन भितरे जेते पिला जन्म होइछंती समस्त को हत्या कर दबा उचित हां समस्त को मारि दबा उचित दस दिन पर्यंत अपेक्षा करंतु श्री चाणुर मु त कहू छी दि मास भितरे जेते पिला जन्म होइछंती से समस्त को हत्या करा जाउ हां एक कथा भी ठीक तबे सुनिलो सेनापति मो राज्य रे दुई मास रु कम आयु रो कोनसी बालक जीवित रहिबे नी जथा आज्ञा महाराज कोठी भी यज्ञ रो अग्नि जळिबो नी पूजा रो घंटी भी बाजिबो नी वेद मंत्र रो ध्वनि
आउ सत्य जातकंकर स्वर सुभिबनि सुभिबत केवल क्रंदन ब्राह्मणंकर तपस्वीकर आउ मृत शिशुंकर माता मानंकर क्रंदन क्रंदन केवल क्रंदन
तमें गोकुलवासी तो हाँ गला दस पंदर दिन भितर सेठी कौन से बालक जन्म नहीं तो हाँ नहीं जी केबे ए छ दिन तले ए सुनो ना मंदिर घंटी बाजुची आज तार षष्ठी पूजा आज तार षष्ठी पूजा तेबे सठी रखी रही तार अंतिम भोजन हबो चलो तार काम शेष कर दबा कौन कहला तमें सुनिनो महाराजा आज्ञा जे ए राज्य जन्म होता प्रति नवजात शिशु को हत्या करा जीवो कौन कहला बालक को हत्या करने को आस सी पुणी आम गोकुल राजकुमार को जदि एमती कह एठ जीवित फेरबन चलो ये कौन हला गोकुल रे 6 दिन पूर्व गोटे बालक जन्म होई छी आमे कि दुथा पकरे पहुंची पालुनी पहुंची परलोनी काई की गा वाला हमको घेरी गली आओ हमको छळलेनी तम हातरे खंडा थिला काई की किंतु ताको हातरे पत्थर थिला जहा से माने आमो ऊपर को फोफाडिले ये देखु तो फळ तांकरो एते साहस चलो मुनि जे जाई देखबी राजू भाई ये जो सैनिक एबे जाई छथि ये अन्य सैनिक को नेक सांगर निश्चय आसीबे आमे जाई के एबे नंद बाबू को सब कथा कहि देबा उचित नहीं नंद बाबू एबे कुमारंग षष्ठी पूजा मग्न अछंति ए खुशी अवसर तांको चिंता रे पकेबा ठीक हबनी गोकुल रे जुव गोष्ठी सेमानक पई जथेष्ट जाओ जाई समस्त को कह जे जा पाखे जो वस्त्र अच्छी ताकू धरी गाँ बाहर को आसवे जाओ चलो हाँ सुन ए सब कार्य एमती हवा दरकार जमी नंद बाबू उत्सव में विघ्न घटवनी वेदो वै पुत्र नावासी सजीव शरद शतम् तमे आमर रास्ता रोकिबा को साहस करूचो निश्चय जे भी आमो बस्ती को आक्रमण करबा को आसीबो तार रास्ता रोकिबा आमर धर्म यार परिणाम जे केते भयंकर होई पर जानिचो परिणाम भय रे आमे आमर धर्म छाडी परिबुनी कौनोसी भयंकर परिणाम रो भय देखा पूर्वरु निज परिणाम चिंता करो गोकुल रो जदी कौनोसी भी बालक को तमे खराब दृष्टि देखो तेबे तुम आखि ताड़ी देवी तुम व्यवहार देश द्रोहर गंध आसुची जे देश में जन्म हेचु से माटी को कौन से आतताई ठे रक्षा करने को देश द्रोह नुहे देश भक्ति कहते किंतु महाराज कंस आदेश को अवज्ञा करवा देश द्रोह सहित राजद्रोह भी अरे तुम महाराजा कंस हो
आम राजा तो श्री नंदराज आम केवल आज्ञा पालन करू आम राजभक्ति जो नवजात बालक को हत्या करने को तमें गोकु आसीच सी आम राजा श्री नंदराज पुत्र तमें तम इच्छा ठीक आसीन तमें कंस आज्ञा अधीन से तुम अवस्था उपर दया करी आमे तुमको जीवित छाड़ी दौ किंतु से आतताई को जाए एक कथा कही दबो जे गोकुल गोपाल माने चुड़ी पिंधि ना जदि पुणी थरे से निजर सैनिक को एटी पठाए तेबे आमे ताको खंड खंड कर जमुना रे भसई दबु कौन कहिलो सेना को तड़ी देलो हाँ जसदा खुड़ी को पुओ को मागुथिले काहे कि कारण से ताको हत्या करबा को चाहुथिले पुओ से सैनिक एमिति काहे कि कहुथिले काहे कि ना तांको राजांकर आज्ञा थिला जे गोलामास भितरे जत्ते भी पिला जन्म होइचंती समस्त को मारि देबा को ये तो अत्याचार प्रकृत से देवकीर अष्टम गर्भ को अपेक्षा करिथिला आउ सेठी कन्या हला से भी जन्म हवा मात्रे अष्टभुजा रूपधरी एक कथा कहिथिले जे तो काल अन्य कोठी जन्म नै सारिछि सेथिपे से डरी जाइछि आउ सबु नवजात शिशु को हत्या करिया को से आदेश देइछि एबे एबे हम पु ऊपर तर सैनिक को दृष्टि पड़ी सारी छी मते आ मो पु को आ को राज्य को पठाई दियो मो एठे रहिबिनी जसदा खुड़ी एमिति हम को अपमानित करनी कंसर हाथ जते भी लंबा हे पछके किंतु आमे थाउ थाउ से आ मगोकुल राजकुमार को पाखरे पहुंची पारिबनी से सारा गोकुल को उजाड़ी दबो से प्रचंड शक्तिशाली नहीं जसोदा नहीं से परम शक्तिशाली नुह जने आतताई शक्तिशाली हेई पारे किंतु परम शक्तिशाली केवल धर्म होई थाए आउ धर्म जहा पाखरे थाए जय तार होई थाए एमिति भी गोकुल को आक्रमण करिबा पूर्वरु ताकु सहे बार चिंता करिबा को हबो आज आमर गोपाल माने ताकु ठीक समय चेतावनी दे देले से गोपाल गुड़ा तुम गोटे छोट धमक देले आउ तमे मूसा भले लांगुड़ जाकी पड़े आसिल तमरे वीरत्वरे महाराज कंसंकर जस बहुत वृद्धि हेला बहुत मु बहुत प्रसन्न हेले हाँ हाँ से बस्तीर लोक मानकर एक कथा कहिबार साहस अछि जे से माने महाराजा कंस को निज राजा मानते रे से बस्ती को तमे पोड़ी की पाउंसो काई के नौकरी दला हाँ हाँ क्षमा करूं तो महाराज क्षमा करूं तो सेनापति आज्ञा थिला छोट छोट ग्राम को ध्वंस करिबा को किंतु बड़ जनपथर मुख्य स्थान रे अधिक उत्पात करिबा को नथिला सेठी सेठी विद्रोह होई जाय थांता हे
ये कौन सत्य सेनापति? आज्ञा महाराज, महामंत्री को यह ही आज्ञा थिला। क्षमा करूं तो महाराज, ये मत केवल मोर नुह समस्त पारिषद कंसर सभा सदस्य अधिकार केवटी गला जे से मैंने कंसर आज्ञा को पालन करिबे रे। महाराज आपण को आज्ञा को अवहेला करिवार साहस कहारो नाही, किंतु आज्ञा पालन केमिति हेबो सेतिर ही मतभेद। मु बुझी पारलेनी जानुर। महाराज गला एक मास भीतर जे कोनोसी बालक जोठी भी जन्म नहीं छंती सेमन को हत्या करबा उचित, किंतु जेमिति साधारण लोकर पुत्र को आम कोनोसी भी सैनिक हत्या करि पारे से भली व्यवहार आम समाज रो विशिष्ट लोकक संगरे करबा अनुचित। आउतापर नंदराज भली सामंतों सहित जे कि गोपालों एक शक्तिशाली प्रगणार सर्दार आपण विशेष भाव विरोध न करी गोटे गभीर कूटनीति प्रयोग करबा उचित। मो मतरे आम सैनिक माने एमिति गोकुल जीवा ठीक हबने, कारण जदि तंक मनरे कौन से संशय आसे तेबे आपण जानती जे से पांचाल नरेश को साहाज्य मागि पारंती। वसुदेवर भौणी कुंती माध्यमरे सेमने हस्तिनापुर भी साहाज्य नहीं पारंती। हाँ महाराज, आम नंद भली जन प्रमुख सामंत को अन्य कौनसी राजा सहित जोड़ी हवा को सुजाग दबा उचित नुह। एमती भी बाल हत्या सकाशे ए समय रे सारा राज्य रे वातावरण शोकाकूल, नंद भली कौनसी विशिष्ट व्यक्ति विद्रोह करदेले समस्त जनता भी उग्र रूप धरिबे। एई कथा भावी तमने से गोपाल मानक द्वारा करा जाइथवा महाराज कंस का अपमान को चुपचाप सहिबा को चाहौ जा। हां क्षमा करंतु महाराज, जदि केते जन गोपाल आउ दुई चारिटा सैनिक मध्य होता कथबार्ता को आम स्वयं महाराज का अपमान भाविबा तेबे आमर भूल हबो। मोर विश्वास अच्छी जेते दूर नंदराजा कथा तांकु जदि आम आड़ को असुविधा न करा जाए तेबे से केबे भी आपण को सहित मनांतरर साहस करिवेनि। से शांतिप्रिय लोक, तांको लोक प्रथा अनुसार पुत्र जन्म अवसर रे उचित भेटी नहीं से राजा को दरबार को निश्चित आसीबा उचित। हां आसीबा उचित, से राजा रो आशीर्वाद पाई पाई भेटी नहीं निश्चित आसीबा उचित। ताले काहे के आसी नाती से माने आसीबा कथा तो आउ मोर विश्वास से निश्चय आसीबे, किंतु सेति पई हमें उपयुक्त वातावरण सृष्टि करबा दरकार, तांको मनरु ये आशंका दूर करबा उचित जे महाराज तंको ऊपर क्रोधित। से जेते बेले एठीकी आसीबो आपन ता सहित एमिति व्यवहार करबा आवश्यक जे से बुझीबा आरंभ करबो जे आपन ता ऊपर बहुत प्रसन्न, बस ता पर गोकुलवासी को तंको नवजातंकर सुरक्षा भय रहिबनी आउ आमो काम भी सहज होई जीवो। देवीते महाराज गोकुल प्रगण रे विगत दिन रे जेते भी पिला जन्म होईचंती नंदराजंक पुत्र समेत सेमान को हत्या करबा पई आमे खोलाखोली भावे सैनिक पठेबा उचित न, आमे मायावी राक्षसंकु जण जण करि सेठी को पठेबा आवश्यक, आउ सेमाने सेठी की जाई पिलांकु एमिति हत्या करिवे जे केही हेले संदेह करिवेनी जे काम पछरे महाराजांकर हात रहिछि। हां तमे ठीक कहिछो, तमे बहुत बुद्धिमान चणुर, बहुत बुद्धिमान। नंदराज बुद्धिमान कम या हम जेत दूर संभव राजा सांगे शत्रुता कर अनुचित। यही मो बड़ भाई देवदत्त कथार एकमत जे प्राचीन प्रथा अनुसार आम नंदराज पुत्र जन्म अवसर में राजा आशीर्वाद पाइबापी उपयुक्त भेटी नहीं महाराज कंस सेवे उपस्थित होगा आवश्यक। मु एक एकमत, से बाक मोर पुत्र कंस हाथ रु रक्षा पाई जीवित अच्छे। गुरुदेव ए रहस्य उन्मोचन करी आपण मो मनर सुखिला क्षेत्र अमृत जल सिंचन करी
ଯେମିତି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅକ୍ର, ଯଦି ତମକୁ ଏ ରହସ୍ୟର ଧାରଣା ଥିଲା ତେବେ କାରାଗାରରେ ତମେ ଏମିତି ସୁଖପ୍ରଦ ଖବର କାହିଁକି ପହଞ୍ଚାଇଲେନି? କୁମାର ବସୁଦେବ, ଗୁରୁଦେବ ଏସବୁ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ମନା କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ଗୁରୁଦେବ? ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ମୋ ପୁତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ହଁ ବସୁଦେବ। କାହିଁକି ଗୁରୁଦେବ? ଆପଣ ପରମ ସତ୍ୟବାଦୀ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ମରଣାନ୍ତକ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କଂସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ କହିଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା କହିବା ଏଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବୀ ରୋହିଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେମିତି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଜାତ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ରହସ୍ୟ ଖୋଲି କହିଲି। ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ମୋ ନିମିତ୍ତ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ବିନାଶରୁ ରକ୍ଷା କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁଦେବ, କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ୍ ଏମିତି ବି ଆହୁରି କିଛି ଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଯୋଗମାୟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିପଟରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପୋଛି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଉଚିତ ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ସବୁ ରହସ୍ୟର ଅନାବରଣ ସ୍ୱୟଂ ହୋଇଯିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ହିଁ ଆଦେଶ, ଆପଣ ଯେତିକି ଜାଣନ୍ତି ଯଥାସମ୍ଭବ ତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ନିଜ ମୁହଁରେ କେବେ ବି କରିବେନି। ଏଥିରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଉଛି ଗୁରୁଦେବ, ବରଂ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ହାରିଦେବି କିନ୍ତୁ ନିଜ ମୁହଁରେ ଏ ରହସ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବିନି। ମୁଁ ଦେବୀ ଦେବକୀଙ୍କୁ ବି ଏକଥା ବୁଝେଇଦେବି। ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭେଟି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମର ଖବର ଶୁଣି ମୋ ହୃଦୟ ନାଚି ଉଠିଲା। ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦରାଜ, ବାଳକର ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଅଷ୍ଟମୀ ରାତିରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହେ ଅନୁକମ୍ପା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୃତଜ୍ଞ ମହାରାଜ। ମୋ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସକାଶେ ଆଶା ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ବ୍ରଜରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀକୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ପାଇଁ ମଥୁରା ନରେଶଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରତୀକ ଏ ମେଖଳା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ମହାରାଜଙ୍କ ହୃଦୟ କେତେ ବିଶାଳ, ଆଜି ଆପଣ ଏ ସେବକର ସମ୍ମାନ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ନାଇଁ ନନ୍ଦରାଜ, ନାଇଁ, ମୁଁ ମୋର ସାମନ୍ତକୁ ସେବକ ନୁହେଁ ନିଜର ସାଥୀ ଭାବିଥାଏ। ମଥୁରା ଦରବାରରେ ସମସ୍ତ ଗୋକୁଳବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଦରରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ,
मु कोषाध्यक्षक जानी आज आपण सभी निजर वार्षिक कर राजकोष रे जमा कर कर्तव्य निष्ठा एवं राजभक्त मु बहुत प्रसन्न एमती रे भी श्री नंदराय मो मन में बहुत सम्मान रही आपण मो भिणोई कुमार वसुदेव संपर्क भाई भी अटंती तेणु ए सकाशे भी मुण को मोर बड़ भाई मानि थाए उदारता महाराज मथुरा आसी आपण कुमार वसुदेव तो भेटी थे ना आज्ञा मु गोकुल सीधा आसी आपण दरबार में उपस्थित होती आपण आज्ञा देला वसुदेव को भेटा को जी अवश्य जातु मो तरफ आज्ञा अच्छी मु जानी जे मो पाई देवकी एवं वसुदेव मनरे क्रोध निश्चित थिबो जदि संभव तेबे तांकु बुझाबुझी करी शांत करंतु जाहेला सब शून्यवाणी सकाशे हेला आत्मरक्षा पाई मु विवश थिली शेषरे से शून्यवाणी भी प्रमाणित हेला तेणु जाहेला सेतिपाई मोर बहुत दुख रही आउ सेतिपाई मुझे भेटा को बहुत संकोच लगुच मुसबु कुमार को निश्चय कहीदेवि भल कथा आपण यात्रा रे थकी पड़ी थे अतिथि गृह आपण विश्राम समस्त सुविधा करा जाई तथा आज्ञा महाराज आपण विश्राम करंतु वाह महाराज वाह अति सुंदर आपण तांकु संपूर्ण रूपे आश्वस्त कर देले जानुर तमे कोटाए कथा उपरे ध्यान देइछ को कथा उपरे महाराज नंद घरे पुत्र सेई राति रे हेइछि जो राति रे कारागार रे देवकी गर्भरु गोटाए कन्या जन्म नहींथिला से राति बड़ महत्वपूर्ण राति थिला जो नंद घरे संतान जन्म आदौ आशा नथिला से राति रे से नंद घरे गोटे पुत्र रो जन्म हुए आउ से राति रे देवकी कोलरो जो कन्या मिले से मानवी नथिला हाथ रु खसी जीवा मात्रे से निजर प्रकृत रूप धारण कला आउ से भी एक कथा कहिला जे तते मारिबा वाला जन्म नै सारिछि जणुर मोर संपूर्ण विश्वास जे ये से ही बालक जे देवकी रो अष्टम गर्भ रु जन्म नहीं थिला कृष्णा